पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवनगर वार्ड संख्या 10 स्थित संतोष कुमार सिंह के बंद घर में चोरों ने करीब नगद समेत 5 लाख रुपए की चोरी कर ली है। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। पीड़ित परिवारों ने जानकारी देते हुए बताया कि वे लोग करीब 1 सप्ताह से बाहर थे। इसी बीच शनिवार की रात्रि चोरों ने बाउंड्री वॉल कूदकर सबसे पहले गेट का ताला काटकर अंदर प्रवेश किया, साथ ही सभी रूमों का ताला काटकर कई सामानों की चोरी कर ली एवं गोदरेज का ताला तोड़कर ज्वेलरी एवं नगद रखे रुपये की चोरी कर ली, साथ ही कई कीमती सामानों की भी चोरी की गई है। गृह मालिक ने बताया कि ऐसा लगता है कि पहले चोरों ने बंद घर की रेकी की होगी और उसके बाद घटना को अंजाम दिया। ये वाला गेट उधर से एंट्री करके जो है ताला काट के अंदर आए हैं, ये वाला गेट तोड़ के, और उसके बाद जितना भी सारा सामान था इसमें जो कि कैश था, और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है जितना ऑर्नामेंट्स था जो कि सोना चांदी जितना भी जेवर सब था सब निकाल लिया गया। जो कैश पैसा लॉकर में रखा हुआ था लॉकर को उखाड़ दिया गया है, और ये सारा जो है इसके अंदर का बेड के अंदर का जितना सारा पलंग के अंदर का जितना कपड़ा था सब निकाल दिया गया। एक ट्रॉली गायब है जो कि ट्रॉली के अंदर में कुछ नया कपड़ा जो कीमती कपड़े थे वो, और जितना कैश और जितना भी जेवर जेवरात था वो सब उसमें डाल के वो सब गायब है। वो लग रहा है क्या पहले से वॉच करके आया है, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन से 10-15 दिन से लगभग यहाँ थे नहीं, गाँव गए हुए थे, तो उसके कारण लगता है वो पूरा एस्टिमेट ले लिया है आसपास का, उसके बाद आया आराम से, क्योंकि ताला काटा है बहुत आराम से काम किया। उस रूम में भी जितना रूम है सारा रूम क्षतिग्रस्त है, तो वो बहुत आराम से काम, एक भी डब्बा नहीं छोड़ा या एक भी सामान नहीं है जो नहीं खुला। एटीएम गायब है, जितना भी चीज़ है जो कीमती सामान है सारा चीज़ लेके गया। जेवर और कैश समेत कितने की चोरी हुई होगी? लगभग 75,000 का कैश था और 3 लाख के आसपास का एस्टिमेट है जो कि जेवर का है, जिसमें 50,000 का जो है चांदी और बाकी 2.5 लाख का जो है सोना का सामान था। तो नहीं थे काफ़ी दिन से, तो वॉच किया है उसके बाद ही काम किया गया, घटना को अंजाम दिया, क्योंकि काफ़ी समय लगा इसमें, और इसमें एक नहीं 3-4 आदमी का हाथ लग रहा है। काफ़ी सामान को जो है खोल किया गया, ये पूरा खाली कर दिया गया, एक एक बैग एक एक पर्स एक एक सारा कुछ खोला गया। पुलिस प्रशासन को सूचना दी थी? जी, अभी हम लोग जो है लिख के अभी थाना ही जा रहे हैं, अभी जस्ट आए थे 2 घंटे पहले, और पुलिस भी तहकीकात करके गई है। चोरी की घटना के बारे में बोलते हुए स्थानीय उत्तम कुमार सिंह ने कहा कि वे लोग चाहते हैं कि इस घटना में जो भी चोर शामिल है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करते हुए पुलिस सामान की बरामदगी करे, साथ ही इस मोहल्ले में पुलिस गश्ती तेज किया जाए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। ऐसी आपातकालीन घड़ी में चोर तो अग्रसर हो ही गए हैं, प्रशासन सुस्त दिख रहा है, क्योंकि अभी इस आपात की घड़ी में लोगों को रोजी रोटी का संकट है, और अग्रसर बार बार कभी इस इलाके में वार्ड नंबर 10 में पहले भी कभी ऐसी घटना हुई है। ये हमारे मित्र हैं संतोष, वो फ़ोन किए तो बताया कि सर ये लोग, मेरा भतीजा लोग गया था कि आ रहा, फिर हमको फ़ोन किया, हम थानेदार को खुद फ़ोन किए तो पुलिस गाड़ी तो आई, लेकिन हम यही आग्रह करेंगे यहाँ के पूरे प्रशासन से, पूरे आला कमान जो यहाँ से SP साहब हैं, कि इस क्षेत्र में कम से कम गश्ती बढ़ाएं और लोगों को समुचित सुरक्षा मिल सके, और इस आपात की घड़ी में मेरे श्री संतोष जी का जो इतना सामान नुकसान हुआ है, काफ़ी मतलब अत्यंत ये पूरा समूचा बिखरा पड़ा हुआ है, छोटे छोटे बाल बच्चे पढ़ने वाले हैं सब, और रोजी रोटी का तलाश में लोग जहां दूर दूर से यहां आ रहे हैं, पूर्णिया आ रहे हैं, जैसे भी है थी। इस आपात की घड़ी हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि मुस्तैदी से कोविड को देखते हुए सुरक्षा से उसके चोरी का अनुसंधान में पूरा अग्रसर हों, और इस पे कार्रवाई करते हुए समुचित इन लोगों को उचित अथी सुरक्षा मिले और इनका सामान बरामद हो सके। कितने की चोरी सबसे हुई है? लमसम 3.5 लाख का गहना चला गया है, और 74-75 हज़ार रुपया कैश रखा था इस बच्चे के एडमिशन के लिए। बहुत मुश्किल से किसान हैं इनके पिताजी, अपना सब चीज़ बेच उच करके लाए थे, रखवाए थे कि करना है, और इस लोगों को विद्यार्थी के पेट पे या इस घर वाले के अथी पैसा जो आपदा आई है, हम यही प्रशासन से आग्रह करेंगे कि इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए और इन लोगों को मतलब इस सामान का बरामदगी हो। बहरहाल मरंगा थाना पुलिस ने सूचना के बाद घटनास्थल का मुआयना करते हुए जांच प्रारंभ कर दी है। मरंगा थाना पुलिस ने कहा कि जल्द ही चोरी की घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा।